अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे तुम पगला गई हो क्या रुंझुन? अरे इधर आना था तो हमें बताया क्यों नहीं? अभी कुछ गड़बड़ हो जाती तो क्या बताते हम आपको? हाँ, जब चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कोई हमारी बात पे यकीन किया का? बताइए, आप लोग कह रहे थे ना कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अरे हम बता रहे हैं, वो सबूत ना ये डब्बे में है। दशहरा के मैदान में जो भी कांड हुआ है ना, सारी सच्चाई ये डब्बे में है। हम लोग फंस जाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। इसका मतलब जब हम दशहरा मैदान से भागे और अभय हमारा पीछा कर रहा था, कहीं किसी ने हमें देख तो नहीं लिया? वो सब हम नहीं जानते हैं। वो जो भी सबूत है ना डब्बे के अंदर है, और वो सबूत हम लोग को जेल भिजवा के रहेगा भैया जी। अरे तो दिखाओ ना। अरे तो खाली है। मतलब ये बिंदिया ने इस सबूत को इस डब्बे से निकाल कर कहीं छुपा दिया है। भैया जी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम सब लोग जेल जाएंगे। अरे अम्मा को किडनैप करने के जुर्म में आप जेल जाएंगे, बिंदिया को मारने की कोशिश के जुर्म में हम? भैया जी सबूत ढूंढना पड़ेगा, कुछ करिए, सबूत कहाँ रखा है? दिया की तो ऐसा है बिंदिया, अब तुम्हारे पास जो भी सबूत है ना, चुपचाप हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से ना हाथ धो बैठोगी। भैया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी बताओ कहाँ है। और जो मीडिया वाले हैं ना, मीडिया वाले, उनके सामने चुपचाप जाना और अपनी जो गवारों वाली भाषा है ना उसमें बोलना कि सबूत वबूत कुछ नहीं है तुम्हारे पास, समझी? तो ये जो भी किया धरा है वो सब तुम्हारा किया धरा है, तभी तुम्हारी जान बचेगी। वरना जो हम कोशिश कर रहे हैं ना तुम्हारी जान लेने की, हम इस कोशिश को बखूबी अंजाम भी दे सकते हैं। समझी? और कोई हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पापा सीएम बनने वाले हैं, और सीएम के लौंडे का कौन हाथ लगाएगा बोलो? जान दे देंगे, मगर सच नहीं, सच सबके सामने ला के रहेंगे। ये आवाज कहां से आ रही है? बताओ कहां है सबूत, बताओ, बोलो। सबूत तो हमारे पास था ही नहीं, खराब आ गया। आपने जो कचूरी अपने खिलाफ बोला है वही आपके खिलाफ सबूत बनेगा। लगता है इस बिंदिया ने उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। वो देख शायद वो जो लाइट जल रही है वो कैमरा, चल जाके जल्दी उठा उसको। हाँ। छोड़ो, छोड़ो उसको, अरे छोड़, भैया जी निकालो कैमरा।
रहते ये सबूत यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चल फटाफट ये कैमरा मुझे दे। नहीं, हम नहीं देंगे। तो फिर अब जान से जाएगी। रुक जाओ भैया वरना मैं गोली मार दूंगा। छोटे अपने अपने बड़े भाई पर गोली चलाएगा। बिंदिया तो कैमरा मुझे दो। अगर आप अपनों के साथ इतना जुर्म कर सकते हैं तो फिर मैं उस गुनहगार पर गोली क्यों नहीं चलाऊंगा? अरे शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे ये जानकर कि ये आप दोनों का प्लान था। देखिए ना कितना खून बह रहा है आपका। बह जाने दो ये खून बिंदिया, ताकि फर्क तो पता चलेगा कि मेरा खून मेरे भाई के खून की तरह पानी नहीं है। और दीदी आप भी शामिल थी इस प्लान में। छोटे मेरी बात सुन। छोटे मैं समझाता हूँ तुझे। क्या समझाओगे भैया? आप लोगों ने माँ को किडनैप करने का नाटक किया। और इल्जाम बिंदिया पर लगाया। बता मुझे तो किसके कहने पर ये सब काम कर रहा है? सीएम मैडम के लिए कर रहा था। ऐसा गंदा खेल खेला आप लोगों ने। आप लोगों ने बिंदिया को सबके सामने झूठा साबित किया, गुनहगार ठहराया। लेकिन छोटे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी कार में बिंदिया की पायल? हे भगवान, इन सब में सीएम मिली हुई है। रीकू तो जरा कैसे अपनी सास को मरवाने जा रही थी। कैसे किया आप लोग ने ऐसा? बताओ कैसे किया? कैसे? कैसे? अबे जी! देखिए ना कितना खून भर रहा है, कितनी चोट लगी है आपको। अपने आप को संभालिए ना, गोली चलाने से थोड़े कोई हल निकलने वाला है। तो आपके सगे भाई बहन है ना,
इन्हें कैसे चोट पहुंचा सकते? इसे खत्म करना चाहते हैं आप लोग, इसे खत्म करना चाहते हैं जिसे अब भी आप लोगों की फिक्र। तुम बहुत अच्छी हो बिंदिया, हम ही हैं जो तुम्हारी अच्छाई के काबिल नहीं है। तुम्हारे भोलेपन का फायदा इन लोगों को मत उठाने दो जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना घटिया खेल खेला है। अबे जी, हम विनती करते हैं आपसे, आप शांत हो जाइए। चिंता करे मेरे जख्म की बिंदिया, मैंने तुम्हें ऐसे गहरा जख्म दिया है तुम पर यकीन ना करके तुम्हें गलत समझा। मैंने धोखेबाज कहा मैंने तुम्हें बिंदिया, पता नहीं क्या क्या गलत कहा मैंने तुम्हें। चलो छोटे, क्या कर रहा है? अरे अभय, अभय अभय अभय, कहाँ तुम अंदर काहे बंद कर रहे हो? अपने बड़े भाई को जेल भिजवाओगे कहाँ? कानून की नजर में भाई बहन कुछ भी नहीं होता है, एक गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है। आप दोनों मेरे भाई बहन हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप दोनों को सजा से बचाऊंगा। गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी। अबे, अबे, छोटे, अरे अब माफ कर दो। बात तो सुन। अरे अबे, बिंदिया का झूठ साबित हो जाएगा, फिर पार्टी मिलकर मुख्यमंत्री पद से उसको हटा देंगे। क्या है ना, जो सीएम साहब है वो तो बेचारे अस्पताल में पड़े हुए हैं। तो बताइए, पार्टी वाले सीएम के पद के लिए किसे चुनेंगे? आप बताइए, बताइए। अरे आप ही को चुनेंगे कांतिलाल जी। जैसे ही बिंदिया गुनहगार ठहराई जाएगी, हम सब मिलके उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने की सहमति दे देंगे। आप निश्चिंत रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, खामखा रात को चिंता जता रहे हैं। चलिए शुभ रात्रि। अच्छी, हम तो महादेव जी के मंदिर में ना 21 नारियल चढ़ाएंगे। आपका सपना जब पूरा होने जा रहा है। पापा, दरवाजा कोई है? दरवाजा खोलो। ऐसा क्या लग रहा है हमें कि रुंझुन और चुबली कहीं से चिल्ला रहे हैं? हथियारों की जय हो, हमारे कान तो ना बज रहे ना जी? कान बज रहे, सच में चिल्ला रहे। चलो, कहाँ से आ रही आवाजें? यहाँ से, यहाँ से। अरे पापा इधर, पापा इधर।
अम्मा। अरे तुम क्या? अम्मा पापा हमें निकाल दिया ना यहाँ से जल्दी। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? किसने बंद किया तुम्हें? अभय ने। अरे पापा, बिंदा की चलाकी की वजह से सारी सच्चाई सामने आ गई है। अभय को पता लग गया है कि अम्मा की किडनैपिंग में जुबली भैया का हाथ था और बिंदिया को मारने में हमारा। खोलिए पापा, आप किसी को भी नहीं छोड़ेगा अभी। अब कुछ करिए ना जल्दी से। एक बात बता, उसे सिर्फ तुम दोनों की सच्चाई पता है या हम दोनों के बारे? नहीं नहीं, आप लोग भोले हैं उसकी नजर में, हम लोग फंस गए। अरे लेकिन कब तक? वो पता तो लगा ही लेगा ना बहुत जल्दी। अरे जुबली, अरे सुन तो बोल, तेरा भाई ना असूल वाला है, कहीं वहां हम सबको जेल में न डाल दे। अरे लेकिन अम्मा हमें तो बचाइए। अजी ये सही कह रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। हाँ। खोलिए ना दरवाजा जल्दी से। अरे चक्कर आ रहा है, घुटन हो रहा है, जल्दी खोलो अम्मा। अरे खुल गया। हम एक काम करते हैं पापा, हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। जब मामला ठीक होगा ना आप हमें बुला लीजिएगा। हाँ हाँ सही कह रहा है, हम फोन करते रहेंगे। चलना जल्दी से। हाँ चलो। तुझे ये करना होगा, अब करना ही होगा। कानून की नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, तेरे भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होता है। तुझे पुलिस को फोन लगाना ही होगा। यहाँ बैठी, कपड़ा बांधने से खून थोड़े ना रुकता है, हम दवा लेके आते हैं। तो यकीन मानकर बैठे कि हम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ बिंदिया, क्योंकि तुम बेगुनाह नहीं हो। तुम सिर्फ चाल चल सकती हो, धोखा दे सकती हो। क्यों ख्याल रख रही हो मेरा बिंदिया? मुझसे नफरत क्यों नहीं हो रही है? आपसे नफरत करने के लिए ना भाईजी, हमें सबसे पहले अपने दिल में से आपके लिए प्यार निकालना होगा, खत्म करना होगा। जिस दिन हमने अपने दिल में से आपका प्यार खत्म कर दिया ना, उस दिन हम खुद खत्म हो जाएंगे। किया है मैंने इस प्यार के लायक बनने के लिए बिंदिया? क्या किया है? ना तुम पर कभी भरोसा किया मैंने, ना तुम्हें
अपनी जिंदगी में कोई भी जगह दे पाया और ना ही तुम्हारी लड़ाइयों में कभी भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं बिंदिया। उल्टा मैंने तुम्हें सिर्फ गलत ही समझा है, इतना गलत समझ लिया है कि मैंने झूठे सबूतों को सच मान लिया और तुम्ही पर इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो बिंदिया। नहीं अब भेजिए, आपका ही हाथ छोड़ रहे, हम ही थोड़े ना चाह रहे थे। गलती की है मैंने बिंदिया, माफी मांगने से मेरी शर्मिंदगी कम हो जाएगी, लेकिन मेरे भाई और बहन ने जो किया है उसकी सजा मैं उन्हें देकर आऊंगा, मेरा तुमसे वादा है।